सैया भय कोतवाल तो डर का ही का, या यूं कहें कि शपथ पत्र पर की गई शिकायत कोई मायने नहीं रखती है। तभी तो कई ग्रामीणों द्वारा करीब एक माह पहले की गई शिकायत में अभी तक कार्यवाही शून्य है। शिकायतकर्ता पप्पू, प्रदीप, धीरज, बद्री प्रसाद, मुकेश कुमार आदि यह मान बैठे हैं कि उनके शिकायती पत्रों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मामला ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत कैमा का है। यहां के ग्रामीणों का आरोप है कि निवर्तमान प्रधान अनुराधा द्वारा आवास वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। 20 से 25 हजार रुपए लेकर अपात्रों को आवास दिए गए हैं, जबकि पात्र परिवार तिरपाल के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानपति विजय कुमार ब्लॉक में टीए पद पर कार्यरत हैं, इसीलिए विभाग में शिकायत करने पर कोई जांच नहीं हो रही है, जबकि प्रधान द्वारा अवैध रूप से लाखों की संपत्ति अर्जित की गई है। 12 मंजरों वाली इस ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का दर्द आई इंडिया को अपने बीच पाकर कुछ इस तरह झलक पड़ा। मुनेश्वर ने आई इंडिया को बताया कि न कॉलोनी मिली न शौचालय मिला, जबकि कई को दो दो कॉलोनी मिल चुकी है। बताएं क्या समस्या है। समेसा बाबू जी देख लो, बैठक ठिकान नहीं कहो है, जिसके बनी है डबल डबल कॉलोनी, तो हम लोग सिंगलों कॉलोनी नहीं मिल रही, ना कोई लैटरिन मिल रही है। एक एक घर में 6-6 कॉलोनी, हर आदमी पर कॉलोनी, 5-5 कॉलोनी आ रही हैं, और लैटरिन नहीं हर आदमी पर आ रही हैं, लेकिन हम लोग समेसा देख लो कहाँ है, कौन नहीं दे रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, रुपया मांगते हैं, कहते 25-25 हजार 20 बजे रुपया पहले दो तो हम लैटरिन देब, कॉलोनी देब, वो अपना 10 टायरा लाया है, बिलोरो लाया है, दो दिन मकान बना, धर्म काटा लगवाया है, लेकिन हम लोग देख लो क्या है समस्या, और कई लाख का कोई प्रधान तत्व बनवा पावा है। तो शौचालय है आपके पास? कोई नहीं। तो शौच कहाँ जाते हैं? शौचालय नहीं है तो शौच कहाँ जाते हैं बाहर? लैट्रिन कहाँ? लैट्रिन जाते हैं साहब, हार कहीं जाते जब नहीं है कहाँ कहीं जाए, कोई शौचालय नहीं है। महिलाएं सब हार जाए। अब देखा चले घर में जद में तय लैट्रिन बनी है कहाँ है? अच्छा, आप लोगों को नहीं? हम लोग नहीं। क्यों नहीं मिलती? अब साहब क्या बताएं क्यों नहीं मिलती? आपने शिकायत नहीं की कभी? साहब शिकायत किया तो कहाँ हो शिकायत की, आप तो कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। आवते हैं, देख ले, चले जाते हैं, वो पैसा में पेट भर देते उनको लोगों ने। ग्रामीण राकेश ने बताया कि उनका परिवार कई वर्षों से झोपड़ी में रह रहा है। समस्या है कि देख लो, समस्या है कि हमारे को हमको कॉलोनी नहीं मिलती है, ना कुछ कोई देते हैं, ना कहूँ कुछ कोई करते हैं, हम जब कॉलोनी मांगे तो कोई बनते देते नहीं कोई है। कौन नहीं देता है? प्रधान रुपया 30 हजार मांगे, जिनके पक्के बने हैं उनके देखो समस्या, उनके दो कॉलोनी आ जाती है, और यहाँ को मतलब डाड़ है। कितने वर्षों से तुम इस झोपड़ी में रह रहे हो? हम का साहब 4 साल से रह जाते झोपड़ी में, यहाँ कोई आवास नहीं, अभी तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। शौचालय चले। शिकायत की कहीं? शिकायत कहन, वीडियो कहन, सिक्योरिटीज कहन, प्रधान तो बे कहते, प्रधान कहते जब मौका लगी तब दिया। तो तुमसे कितना रुपया मांगा जा रहा है? हम तो रुपया 30 हजार कहा दो तो मिले जी का रुपया दो तो कहते हैं दिया, निकाल लेने का कॉलोनी नहीं है। पैसे तुम्हारे पास? पैसा होते तो बनवा ना लेते हम। क्या करते हैं आप? हाँ भाई, मंजूरी कहते हैं, क्या कहते हैं मंजूरी कहते कहते ना, अपना लड़का बच्चा मान लो जी तन कैसो ना कैसो। ग्रामीण धीरज कुमार ने आई इंडिया को बताया कि डीएम से शिकायत की मगर कोई जांच नहीं हुई है। भाई हमका लैट्रिन आवास और ना आवास मिली ना लैट्रिन मिली है, तो हम डीएम के पास गए रहन, अप्लीकेशन लगाए हैं, 30 हजार रुपये मांगे जाते हैं तब मतलब मिली आवास, 30 हजार रुपये हमारे पास कहाँ है, और जिनका मिल चुकी उनका मिल नहीं है आवास है। क्या उनसे पैसा लेकर के दिया जा रहा है? उनसे पैसा लिए जाते हैं, कोई 25 हजार, कोई 30 हजार, कोई 15 हजार। कौन लेता पैसे? पैसा लेते प्रधान और को लेते। रामकली ने बताया कि प्रधान ने अपने चहेतों को कॉलोनी दी है। बताएं क्या समस्या है आप लोगों? समस्या यह है कि मतलब जी की है वो एक दिने जा रहे हैं, और बाकी कोई नहीं दिने जाते हैं। क्या ये विरोधी वाले ने नहीं दिने जाते, अपने आदमी दे रहा बाकी कोई नहीं दे रहा? क्या कॉलोनी? अच्छा, और बाकी हमारे पंजन लैट्रिन रहा, सबको एप्लीकेशन लगाए, कुछ नहीं हुआ, और आए जाँच कराए, जाँच करके चले गए, और फिर कुछ हमारे पंजन सुनवाई दिन कहूँ नहीं है। तो आवास आपको नहीं मिला? आवास हमका मिला रहा, कॉलोनी लैट्रिन नहीं मिली, ना पिले गए जगह और सब कुछ, हमारे लेबरी पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमका सबका। नहीं काहे की लेबरी बाकी आवास के? अच्छा आवास। हाँ आवास के। आवास आपको मिल गया? हाँ हमका मिला रहा पिछले साल में। हाँ मतलब और हमारे उधर लड़का बच्चा है, कोई कहा नहीं मिला, सब अलगट है, हमते तीन है, तीनों अलगट है, और कोई को नहीं मिला। तो क्या कोई पैसा मांगा जाता है? और पैसा मांगा जाता है, चार ही है, तीन कहाँ है, चार ही है, और कोई कहा नहीं मिली है। कितना पैसा मांगा जाता है? 30 हजार तो कम नहीं लेते हैं। को लेता ये प्रधान का हम ले भैया। गुड्डी देवी ने बताया कि प्रधान ने पैसे लेकर आवास दिए हैं। जी क्या समस्या है बताएं? समस्या जिन हमारे लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं रहने के लिए,
मड़ैयन में यहाँ रह रहे हैं, और जिनको दी जा मिली है उनको फिर से दी जा रही है क्या आवास। अच्छा। और शौचालय हमारे बिटिया बहुरिया सब बाहर जाती हैं लैटरिन बाथरूम करे, ना एक लैटरिन ना एक बाथरूम कुछ नहीं। शिकायत की आप लोगों ने कही? शिकायत हम तो दो बार सीतापुर गए। अच्छा। शिकायत किया यहाँ कोई नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। सुरेश कुमार ने आई इंडिया को बताया कि जरूरतमंदों को योजना का लाभ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका और आपकी ग्राम पंचायत में क्या समस्या है? हमारा सुरेश कुमार नाम है, हम ग्राम पंचायत कैमा के हैं। सर हमारे यहाँ जो है प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा बहुत जो है आवासों में धांधली की जा रही है, जिन लोगों को जो है 12, 13, 14, 15 में इंदिरा आवास दिया गया था उन्हीं के पति को 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास फिर से दिया जा रहा है, जबकि जो कच्चे मकान और जो पात्र आदमी पड़े हुए हैं उन लोगों का ना सूची में नाम भी नहीं शामिल किया जा रहा अभी तक। अच्छा, तो इसकी शिकायत हम लोग सब लोग गए थे, एफिडेविट लगाकर जो है DM साहब के यहाँ शिकायत की है, लेकिन अभी कोई जांच वांच नहीं आई है। अच्छा, तो यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर तो आप लोग अगर समस्या का समाधान अगर कोई जांच नहीं आती है तो हम लोग जो है योगी के यहाँ भी जाएंगे और वहाँ पर धरना करेंगे, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग दौड़ते रहेंगे। प्रकरण में प्रधानपति विजय कुमार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि आवास वितरण में प्रधान का कोई रोल नहीं रहता है, इसके लिए सचिव जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लोग चुनावी रंजिशों में ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आई इंडिया के लिए राजेश यादव के साथ अविनाश चंद्र मिश्री की रिपोर्ट। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।